अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर जूलॉजी के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो 2023 में अपीयर हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता है मॉडल पेपर के मुताबिक जूलॉजी में 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है, और ये एक क्वेश्चन 18 मार्क्स का है। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन पार्ट्स में आएगा। ये 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं, मॉडल पेपर में डिस्क्राइब नहीं किया गया, 2 होंगे, या ए बी करके 9 मार्क्स के 2 होंगे, या ABC करके आपके पास पहला 9, दूसरा 4, तीसरा 5, डिफाइन नहीं किया गया मॉडल पेपर में। तो आपको दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। ज़्यादा चांसेस हैं कि 9 करके आपको पार्ट ए और बी दे दें। अब हम देखते हैं वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो पेपर में अपीयर हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन जी चैप्टर नंबर 1 से है, एक्सप्लेन द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी विद द लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। तो आपको ऐसा कर सकते हैं कि पहले पार्ट में वो देते हैं रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी, और दूसरे पार्ट में 4 मार्क्स या 5 मार्क्स की आपको नेफ्रॉन की डायग्राम दे दें। ये डायग्राम अच्छे से कीजिएगा, बुक में आसान है, इंटरनेट से आसान सी देख, बुक में मुश्किल है, इंटरनेट से आसान सी देख के कर सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बहुत तरीकों से आता है ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जाए, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है जो हर साल डिफरेंट तरीके से दे रहे होते हैं। ये क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल का। इसी क्वेश्चन का दूसरा नाम इन्होंने ये रखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ स्ट्राइडेड मसल, क्योंकि स्केलेटल मसल पे स्ट्राइशंस होती हैं, दरारें होती हैं जैसे ज़ेब्रा पे होती हैं, इसलिए इन्हें स्ट्राइडेड मसल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपने फिट डायग्राम प्रैक्टिस करना है। इसी क्वेश्चन को स्लाइडिंग फाइलम इन थ्योरी भी कह रहे होते हैं। तो ये तीनों एक ही क्वेश्चन से, घबराने की बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल पक्का याद कर लें। तीसरा क्वेश्चन जो अपीयर हो सकता है वो है ह्यूमन ब्रेन के बारे में, राइट द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। इस क्वेश्चन के डायग्राम, ब्रेन के डायग्राम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक डिफिकल्ट डायग्राम है जिसको करना टाइम कंज्यूम होगा, पेपर में बनाना टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसलिए सिर्फ इसका स्ट्रक्चर मिड ब्रेन फॉर ब्रेन अलाइनमेंट सब तमीज से अच्छे से कर लें विद फंक्शन। चौथा क्वेश्चन है जी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर डिफाइन द पिट्यूटरी ग्लैंड एज अ मास्टर ग्लैंड। हमें पता है पिट्यूटरी ग्लैंड को पहले मास्टर ग्लैंड कहा जाता था, क्यों कहते हैं, और आपने पूरे इसके पार्ट्स बताने हैं, क्या क्या रिलीज करता है वो बताने हैं, इसके डिसऑर्डर्स बताने हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन एवोल्यूशन वाले चैप्टर में से, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में 2 थ्योरीज हैं, डार्विन थ्योरी एंड लेमार्क थ्योरी। डार्विन थ्योरी के आने के चांसेस इस दफ़ा ज़्यादा हैं, तो आप डार्विन थ्योरी को अच्छे से कर लें, और डार्विन थ्योरी के जो ऑब्जेक्शन थे उसके खिलाफ, डार्विन थ्योरी के खिलाफ रेस किए गए थे, वो भी आपको पता होने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन 6 है बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर की डेफिनेशन है एक छोटी सी। उसके बाद लर्निंग बिहेवियर को डिटेल में याद कीजिएगा, उसकी टाइप्स सही से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है डेवलप, ये इसी चैप्टर का एक वाहि सवाल है जो अपीयर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। डेवलपमेंट ऑफ चिक अप टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स। आपने डेवलपमेंट ऑफ चिक याद करनी है जब तक 3 जर्म लेयर्स नहीं बन सकती, मीडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, वहाँ के बाद आपने छोड़ देना है, उसके आगे याद नहीं करना। बस डेवलपमेंट जब 3 जर्म लेयर्स की हो जाए उसके बाद की हेडिंग्स नहीं याद करनी। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विद डायग्राम। ये क्वेश्चन डायग्राम के साथ करना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 9 क्वेश्चन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, इसके चेंजेस जो हर फेज में टेक प्लेस करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपने करना है, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेबल डायग्राम भी करनी है, और अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, और अगर आपको मेल की आती है तो वेल एंड गुड है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम भी वो लोग एक अलग से पार्ट बना के दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं है, फिर भी टू बी ऑन द सेफ साइड कर लें, याद है तो रिवाइज कर लें ताकि उस वक्त मुश्किल ना हो, और अगर नहीं याद तो फिर आप एक बार इनको पढ़ लें। राइट द रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन में ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस, उसका क्या रोल है वो सब। उसके बाद जेली फिश में लोकोमोशन कैसे होती है, स्टार फिश में कैसे होती है, अर्थ फॉर्म में कैसे होती है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, आप इसको कर लें, एक अलग से वो पार्ट बना के दे सकते हैं कि आप लोकोमोशन बताइए स्टार फिश में कैसे होती है। 13th क्वेश्चन एज कम्पेयर वेरी लेस इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू दिस ईयर, क्योंकि पिछले साल ही आया है, RMP, AMP और साइनस वाला क्वेश्चन है, इम्पल्स को आपने डिस्क्राइब करना है पूरा, लेकिन फिर भी अगर आपने याद कर लिया है किसी कोचिंग के पेपर को देख कर या कुछ भी देखकर, तो आप फिर क्या करें, इसको रिवाइज जरूर कर लेंगे कि अगर आ जाए तो यू कैन राइट ऑन इट। 14 क्वेश्चन जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में, एवोल्यूशन वाले चैप्टर में जो लेमार्क्स थ्योरी है वो भी आ सकती है, तो ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमने 9 में याद की भी होती है, तो इसलिए एज कम्पेयर अगर आप इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी हो जाएगी, वरना अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पहले पेज पर दिए गए 10th क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह इसी में से आपका एक लॉन्ग हो जाएगा। राइटिंग साफ रखनी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स साफ रखनी है आपने। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई गेस्ट पेपर सॉल्व करूं, तो मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन कर दिया है, जिससे मैंने एक आईडी का मैसेंजर लिंक डाला है, आप वहां पे गेस्ट पेपर भेज दें सो दैट आई कैन सॉल्व इट हियर। इसके अलावा मेरे पास एक अनाउंसमेंट भी है, द रोल ऑफ ब्रेन इन थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन में ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस, उसका क्या रोल है वो सब। उसके बाद जेली फिश में लोकोमोशन कैसे होती है, स्टार फिश में कैसे होती है, अर्थ फॉर्म में कैसे होती है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है, आप इसको कर लें, एक अलग से वो पार्ट बना के दे सकते हैं कि आप लोकोमोशन बताइए स्टार फिश में कैसे होती है। 13th क्वेश्चन एज कम्पेयर वेरी लेस इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू दिस ईयर, क्योंकि पिछले साल ही आया है, RMP, AMP और साइनस वाला क्वेश्चन है, इम्पल्स को आपने डिस्क्राइब करना है पूरा, लेकिन फिर भी अगर आपने याद कर लिया है किसी कोचिंग के पेपर को देख कर या कुछ भी देखकर, तो आप फिर क्या करें, इसको रिवाइज जरूर कर लेंगे कि अगर आ जाए तो यू कैन राइट ऑन इट।
14 क्वेश्चन, जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस चैप्टर में एवोल्यूशन वाले चैप्टर में जो रिमार्क्स थ्योरी है वो भी आ सकती है, तो ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमने 9 में याद की भी होती है, तो इसलिए एज कम्पेयर अगर आप इसको सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी हो जाएगी, वरना अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पहले पेज पर दिए गए 10 क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह इसी में से आपका एक लॉन्ग हो जाएगा। राइटिंग साफ रखनी है, प्रेजेंटेशन स्किल्स साफ रखनी है आपने, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई गेस्ट पेपर सॉल्व करूं तो मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट पिंक कर दिया है, जिससे मैंने एक आईडी का मैसेंजर लिंक डाला है, आप वहां पे गेस्ट पेपर भेज दें सो दैट आई कैन सॉल्व इट हियर। इसके अलावा मेरे पास एक अनाउंसमेंट भी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक फिज़िक्स के न्यूमेरिकल नहीं किए हैं एंड दे हैव नो आइडिया कि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल में कहाँ से आना है, किस तरह से आना है, और X1 के, ठीक है, 12th क्लास के, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से आना है कैसे आना है, लेकिन न्यूमेरिकल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने अच्छे मार्क्स से पास होना है। तो हम एक सेशन कंडक्ट करेंगे इस संडे को, मैं चाहती हूँ कि आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया मैंने फॉर्म का, सो दैट आप वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। वो एक जूम मीटिंग होगी 3 से 4 घंटे की, जिसमें आपको सिर्फ बिल्कुल बैशिंग अबाउट द बुश नहीं होगी, फजूल नुमाइकल नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट नुमाइकल जो इस साल पेपर में आ सकते हैं सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, X11 फिजिक्स की, ठीक है, तो फिजिक्स के आपको नुमाइकल की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जूम की मीटिंग होगी 3 से 4 घंटे की होगी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो देयर इज़ अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड देयर। अल्लाह हाफिज़।